शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सोनिया कहाँ गई? अभी तो यहीं बैठी थी। अरे बेटा, पूजा के बीच में ऐसे नहीं उठा जाता है। ये पूजा आपके पति के कल्याण के लिए की जा रही है। हाथ जोड़िए और माता रानी को प्रणाम कीजिए। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। कहाँ हो तुम सोनिया? मेरा ब्रेसलेट यहाँ? ये यहाँ कैसे आया? ये तो उस दिन गोडाउन में गिर गया था जब अभय के सर पे मारा था मैंने। कहीं किसी को शक तो नहीं हो गया? छोड़ूंगी तो नहीं मैं तुम गुना। हमारे घर में एक आस्तीन का सांप बैठा है। तुम्हें तो मैं तुम्हारी बहन के साथ जेल में घसीटूंगी। ऐसे कैसे घसीटूंगी साली साहिब? तुम्हें क्या लगा? मैं भी उस अभय की तरह अधभरा हूं जो मुझे कुछ समझ नहीं आया। तुझ पे ना पहले दिन से मेरी नजर है सोनिया। नजर तो मैंने भी तुम पे रखी थी कुणाल, ताकि तुम्हारा ये जो झूठा चेहरा है ना पूरे परिवार के सामने ला सकूं मैं। आरती के साथ साथ पूरे परिवार को धोखा दे रहे हो ना तुम। तुम्हारा ये असली चेहरा मैं पूरे परिवार के आगे ला के रहूंगी कुणाल। पर तुम्हें क्या लगता मैं तुम्हें ये करने दूंगा? सो क्यूट। तुम तो मेरी उस पागल बेवकूफ बीवी से भी ज्यादा भूली। कैसी कैसी गलत समझ पाल लेती हैं ये बहनें। कुणाल छोड़ो मुझे, छोड़ो। We'll be right back.
अभी क्या भाई, त्रिपाठी निवास पहुंचे, जल्दी जल्दी कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, मैं त्रिपाठी निवास से बोल रहा हूँ। हमारे घर के सदस्य पर किसी ने जानलेवा हमला किया है। आप फौरन आइए प्लीज। सुनिए, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम सब हैं तुम्हारे साथ। अबे अबे सुनिए, तुम सांसें लो, आगे खुली रखो। कुछ भी होगा तुम्हें सोनिया, डॉक्टर बस आने वाले हैं, वो तुम्हें जल्दी ठीक कर देंगे। तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस आके खुली रखो। कीर्ति कीर्ति जल्दी पानी लेकर आ, सोनिया कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। माफ कीजिए, अब ये इस दुनिया में नहीं है। सॉरी मिसेस त्रिपाठी, हम इन्हें बचा नहीं पाए। शी इज नो मोर। कैसे हुआ ये, कोई बता सकता है? आप लोग कहाँ थे? हम सब यहीं पर थे, पता नहीं ये सब कैसे हो गया। हमारे घर में ग्रह शांति
पूजा थी, हम सब वहीं पर थे और ये सोनिया जी कहाँ थे तब? तो जब हमारे साथ पूजा भी बैठी थी, पता नहीं जब पूजा चल रही थी तब बीच में उठकर वो कहाँ गई, उसके साथ ये सब कैसे हुआ हमें से किसी को नहीं पता। एक काम करो, इसे भी बाकी सबूतों के साथ फॉरेंसिक भेज दो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने की तैयारी कीजिए। आप लोगों को किसी पे कोई शक, इनका कोई दुश्मन काम में या निजी जीवन में? हमारे परिवार में आज तक जो कुछ भी हो रहा है वो उस रागिनी और राज सिंघानिया की वजह से हो रहा है। मुझे लेकिन वो दोनों तो जेल में। लेकिन भाई साहब, हम सब जानते हैं कि रागिनी की इतनी पहुंच है कि वो बाहर किसी से भी ये काम करवा सकती है। लेकिन भाभी, अगर ये सब उन लोगों ने किया होता तो वो हम में से किसी को नुकसान पहुंचाते। सोनिया क्यों, क्यों इस बेचारी को मार दिया? इससे तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। खैर, हम इस पर तहकीकात करते हैं। खंजर से खूनी के फिंगरप्रिंट्स मिल सकते हैं और आप लोग भी सतर्क रहिएगा। खूनी ने अगर घर में इस तरह घुस के मारा है तो वो बहुत खतरनाक हो सकता है। बाकी आपको कुछ भी पता चलता है तो आप मुझे तुरंत फोन कर दीजिएगा। जी इंस्पेक्टर, और आप भी बताइएगा कि आपको क्या पता चला। ऐसा क्या बताना चाहती थी तुम सोनिया, जो ऐन मौके पे किसी ने तुम्हारी जुबान ही बंद कर दी? हुआ क्या यार सोनिया? बॉडी को उठाओ। भाई साहब के जाने के बाद इस पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरी थी, लेकिन मैं जिम्मेदारी निभा नहीं। पहले अभय पर हमला और अब सोनिया, इस सब का जिम्मेदार मैं हूं। मैं कैसे बताऊंगा सोनिया के परिवार वालों कि हम उसकी सुरक्षा नहीं कर पाए? वही ना चाचू, अब हम अपने इस घर में भी सुरक्षित नहीं। हमारे घर में होते हुए कुछ सोनिया को मार के चला गया और हम कुछ नहीं कर पाए। नरक से पत्थर बहुत मिले उस कूड़ी को जिसने हमारी सोनिया को मार डाला। उसकी चीखे तक हमें सुनाई नहीं दी। हम सब भी पूजा में इतने मग्न थे कि किसी को कुछ पता ही नहीं चला और इसी बात का उस कूड़ी ने फायदा उठाया है। वो मेरी बचपन की दोस्त, हमेशा से हम दोनों साथ थे और आज इसके साथ ये हो गया। वो तो हम किसी का बुरा भी नहीं चाहती थी, सबके साथ अच्छी थी वो, फिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ मम्मी? हमें तो इस बात का डर लग रहा है इन सब का असर दीदू पे क्या होगा। वो तो अभी तक संभली भी नहीं है ठीक से। वो चली गई अब आपके बचपन की दोस्त, जिसने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा, जिसने आपके काम में हर वक्त आपका साथ दिया। हमारी सोनिया चली गई अब है। आप अभी नहीं उठेंगे क्या अब है? सोनिया हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई अब है। हमें इतना सब कुछ हो रहा है इस
मुझे आपकी जरूरत है अब। मैं कैसे संभालूंगी अब? मैं कैसे संभालूंगी? उठिए ना अब। ब्रेसलेट तो सुनिया के हाथ। अभय, अभय, देखिए ना इस ब्रेसलेट को, ये किसी आदमी का लगता है ना? ये उस खूनी का तो नहीं है? कौन हो सकता है अभय जो सोनिया को मारना चाहता हो? चाहे कोई बात माने या ना माने, पर हमें नहीं लगता कि कोई बाहर से आके सोनिया पे हमला कर सकता है। हम सब तो सुबह से यहीं थे ना, ना कोई बाहर गया है, ना कोई बाहर से अंदर आया है। फिर कुणाल का है, भाभी आप कहना क्या चाहती हैं? आरती कीर्ति से पूछ रही कि कुणाल कहाँ है? पूजा के बाद से वो दिखाई नहीं दिया, कहाँ है कुणाल? ऐसे क्यों बात करी भाभी जी? कुछ हुआ है क्या? यहाँ खून हो गया है, किसी ने सोनिया को कंजर से मार दिया है, और तुम पूछ रहे हो कि क्या हुआ है? सोनिया को खंजर? क्यों? सोनिया ने किसी का क्या बिगाड़ा था? पता चला क्या किसने मारा सोनिया को? अब अगर तेरा नाटक खत्म हो गया तो तू बताएगा कहाँ था तू? ओ, तो शक मुझ पे? प्रायश्चित करने गया था अपनी बहन के खिलाफ गवाही देने। अबे भैया के गुनेगारों को अब सजा से कोई नहीं बचा सकता। और कोई सवाल है अगर आप लोग का तो वो भी पूछ लीजिए। आरती तुम भी। आज के बाद तुमसे कोई सवाल नहीं पूछेगा कुणाल। आप लोगों ने सुना ना, कुणाल अपनी बहन के खिलाफ गवाही देने गया था मेरे भैया के लिए। बेटा तुमने इतना सब कुछ किया, मैं समझ सकता हूँ कितना मुश्किल होगा। सच का साथ देकर तुमने अपने पुराने पापों का तो प्रायश्चित कर लिया, बस अब उस रागनी और राज को सजा जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। आप सब भी मेरा परिवार, अभय भैया वरुण भैया की तरह इस घर के बेटे की तरह बनना चाहता हूँ। ब्रेसलेट का कुछ तो कुणाल से लेना देना जरूर है, मुझे इसका पता लगाना ही होगा। वैसे
वैसे कुणाल तुम अदालत कितने बजे पहुंचे थे? 11 बजे पहुंच गया। 11 बजे तो पंडित जी आए थे। सॉरी 12 बज गए। इसका मतलब ये है कि जब सोनिया पर हमला हुआ तो तुम वहां से उठ चुके थे। जिस वक्त तुम पूजा पर नहीं थे उस वक्त सोनिया भी वहां से उठी थी। उसे तुमसे कुछ कहा होगा, कुछ सुना होगा तुमने। मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया। आवाज सुनाई भी कैसे देगी तुम्हें कुणाल? उसकी आवाज हमेशा के लिए तुमने बंद जो कर दी। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।